हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं अपना यूट्यूब चैनल वेदांता कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। यह मेरा छठा वीडियो है, यानी कि अभी तक हम आपको 5 वीडियो दे चुके हैं जिसके तहत आपको कंप्यूटर की कुछ जानकारियां दी गई थी, और इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए एक बार फिर से आपके समक्ष लेकर आया हूँ वीडियो नंबर 6। तो देखते हैं मेरे दोस्त, पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे माउस के बारे में, यानी कि कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम था माउस, और इसका उपयोग हम लोग सीखे थे कि माउस में क्लिक क्या होता है, राइट क्लिक क्या होता है, डबल क्लिक क्या होता है, क्लिक एंड ड्रैग क्या होता है, और स्क्रॉल व्हील क्या होता है। तो पिछला वीडियो आई थिंक आप लोग देखे होंगे, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। तो अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हमारे पास दो है, एक का नाम है कीबोर्ड और दूसरा जो कि पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे माउस। तो देर न करते हुए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं इस कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या है, क्या करता है, कीबोर्ड में कितने की होते हैं और कौन सा की का क्या उपयोग है। तो सबसे पहले कीबोर्ड के अंतर्गत कीबोर्ड का परिभाषा पढ़ेंगे, कीबोर्ड है क्या। तो एज यूजुअल जैसे हम लोग आजकल मोबाइल फोन में किसी भी अक्षर को लिखने के लिए की पैड दिया हुआ होता है, तो कंप्यूटर में कोई भी चीज को लिखना रहे तो लिखने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। तो परिभाषा देखेंगे यहां पे कीबोर्ड के बारे में। इट इज एन इनपुट की आउटपुट, यह भी कंसेप्ट क्लियर है। तो हम देंगे कंप्यूटर को तो कीबोर्ड, इट इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू राइट एनीथिंग इन द कंप्यूटर। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में कुछ लिखने के लिए, राइट मतलब लिखना, तो कंप्यूटर में आपको कुछ लिखना है तो लिखने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल करेंगे उसे हम लोग कीबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड देखने में एक टाइपराइटर की तरह होता है। टाइपराइटर देखे होंगे, पहले के ज़माना में हम लोग, कंप्यूटर नहीं था तो किसी भी चीज़ को लिखने के लिए टाइपराइटर की उपयोग करते थे। तो यहाँ पर भी आजकल कंप्यूटर में कुछ लिखने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, और इट लुक्स लाइक ए टाइपराइटर, देखने में टाइपराइटर की तरह होता है, फुल स्टॉप। यह आपका परिभाषा हो गया कि हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर कीबोर्ड होता है क्या, सब जगह पे एक ही प्रकार का कीबोर्ड इस्तेमाल होता है या अलग अलग। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के कीबोर्ड होते हैं। दूसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे, जेनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, जेनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। मुख्यतः कीबोर्ड के दो प्रकार होते हैं। कीबोर्ड हमारे पास जो कीबोर्ड अवेलेबल होता है, आप देखेंगे लैब रूम में या कंप्यूटर ऑपरेटर के पास, तो आपको जो कीबोर्ड दिखेगा जनरली दो तरह से होता है, यानी कि दोनों में से कोई एक कीबोर्ड आपको दिखाई देगा। जो कीबोर्ड हम लोग को दिखाई देगा आइदर वह सिंपल कीबोर्ड हो सकता है, सिंपल कीबोर्ड या मल्टीमीडिया कीबोर्ड, यही दोनों में से कोई की एक कीबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन, पहला सिंपल कीबोर्ड और दूसरा मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड, अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कि हमको कैसे पता चलेगा कि दिया गया कीबोर्ड
सिंपल है या मल्टीमीडिया है। तो ऐसे जनरली थियोरिटिकल चीज़ जो थियोरी जो पढ़ने के लिए हम लोग को मिलेगा, तो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि यदि सिंपल कीबोर्ड रहेगा, यदि कोई कीबोर्ड सिंपल है तो उसको पहचानने का तरीका है कि सिंपल कीबोर्ड में 104 से 108 बटन होते हैं। किसमें? सिंपल कीबोर्ड में टोटल बटन कितना? 104 से 108, कोई निश्चित नहीं है। 104 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना? 108, और मिनिमम कितना? 104। और की का मतलब बटन। तो सिंपल कीबोर्ड में 104 से 108 बटन, जबकि मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 112 से लेकर के और 116 बटन होते हैं। यानी कि यदि हमारा कीबोर्ड मल्टीमीडिया है तो उसमें जो बटन होगा वह बटन 112 से लेकर के 116 के बीच में होगा। यानी कि उस कीबोर्ड में या तो 112 बटन होगा या 113 होगा, 14 होगा, 15 होगा, लेकिन मैक्सिमम 16 और मिनिमम 12। तो यहाँ तक थियोरिटिकल कंसेप्ट हम लोग समझ चुके हैं कि कीबोर्ड होता क्या है और कीबोर्ड में कितने तरह के कीबोर्ड होते हैं। तो कीबोर्ड दो तरह के, सिंपल और मल्टीमीडिया। अब क्वेश्चन उठता है कि सर हमको से यदि कोई कीबोर्ड दिखाए और पूछे कि बताओ यह कीबोर्ड क्या है, सिंपल है कि मल्टीमीडिया है, तो आप दिमाग में सोचेंगे कि सर तो बताए थे कि 104 गो होता है तो सिंपल आ 112 गो होगा तो मल्टीमीडिया, तो क्या आप गिनती करने जाएंगे? तो गिनती करेंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी। तो इसी से बचने के लिए एक शॉर्ट सा ट्रिक है, एक छोटा सा ट्रिक जिससे आप एक सेकेंड के अंदर बता सकते हैं कि दिया गया कीबोर्ड सिंपल है कि मल्टीमीडिया। ध्यान से सुनेंगे, वैसा कीबोर्ड जिसके ऊपरी भाग में, यानी कि मान लिया जाए यदि मेरा यह कीबोर्ड है और कीबोर्ड में नॉर्मली सब बटन, ऑलमोस्ट अधिकांश बटन एक साइज के होते हैं, एक आध दो को छोड़ के, मान लिया जाए यह मेरा कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग में यानी कि ऊपर वाला भाग में छोटा छोटा आकृति का 8 गो बटन रहेगा। इस सब बटन से छोटा, एकदम छोटा छोटा, कितना बटन? 8 बटन रहेगा एक्स्ट्रा, साइज में स्मॉल रहेगा। किसके कंपैरिजन में? तो बाकी सब बटन के तुलना में ऊपर वाला जो बटन होगा ना वो एकदम छोटा छोटा होगा। और ऐसे कीबोर्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी मीडिया कीबोर्ड। यानी वैसा कीबोर्ड जिसके ऊपर में, सबसे ऊपर में छोटा छोटा 8 गो बटन रहे, जनरली यह बटन रबर का होता है तो उसको हम लोग मल्टीमीडिया बोलेंगे। और ऊपर वाला यह 8 गो बटन नहीं रहे, ये 8 गो नहीं है, बस नॉर्मल एज यूजुअल जो होता है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल कीबोर्ड। क्लियर है? यदि ऊपर 8 बटन रहे तो मल्टीमीडिया, और 8 बटन नहीं रहे तो सीधे कहेंगे सिंपल। तो आपको गिनती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक तो हम लोग समझे कीबोर्ड का कंसेप्ट, लेकिन कीबोर्ड उतना ज़रूरी नहीं है जितना कीबोर्ड का की ज़रूरी है। की मतलब बटन। तो जनरली अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो पढ़ रहे कीबोर्ड क्या है और कितने तरह के। क्वेश्चन उठता है कि सर कीबोर्ड में, जनरली सिंपल कीबोर्ड में 104 बटन होता है, तो कौन बटन होता है और किस किस बटन से क्या क्या काम होता है? तो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ डिफरेंट की। इन ए सिंपल कीबोर्ड, यानी कि एक साधारण कीबोर्ड में, यह टॉपिक हो गया आपका, हेडिंग हो गया कि एक साधारण कीबोर्ड में विभिन्न प्रकार के बटन, यानी कौन कौन से बटन होते हैं। तो जनरली तौर पे कीबोर्ड के बटन को ध्यान से सुनेंगे, जनरली कीबोर्ड के बटन को 5 भाग में बांटा गया है। फिर से एक बार, समूह के आधार पर, समूह समझते होंगे ग्रुप,
समूह के आधार पर कीबोर्ड में टोटल 5 ग्रुप होते हैं। और कौन कौन ग्रुप होता है, कौन से ग्रुप में कितने बटन होते हैं और कौन सा बटन का क्या काम होता है, उसको हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कीज। इसका हिंदी हुआ समूह के आधार पर, बेसिस मतलब आधार और ग्रुप मतलब समूह। तो समूह के आधार पर एक सिंपल कीबोर्ड में 5 प्रकार के बटन होते हैं, 5 बटन नहीं 5 प्रकार के बटन, जिसमें से सबसे पहला जो है, अभी नाम लिखते हैं फिर एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला जो होता है उसे बोलते हैं न्यूमेरिक की, दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं फंक्शन की, तीसरा जो होता है उसे बोला जाता है अल्फा न्यूमेरिक की, चार नंबर में स्पेशल की और 5 नंबर में नेविगेशन की, NAVIGATION। तो समूह के आधार पर टोटल 5 तरह के बटन होते हैं, जिसमें से सबसे पहला न्यूमेरिक की, दूसरा फंक्शन की, तीसरा अल्फा न्यूमेरिक की, चौथा स्पेशल की और 5वां नेविगेशन की। यह 5 समूह के आधार पर है और यही 5ों के बारे में पढ़ना है, कौन सा समूह कहाँ होता है, किस समूह में कितने बटन होते हैं और उस बटन का क्या कार्य है। फिर पढ़ेंगे फंक्शन की क्या होता है, उस फंक्शन की में कितने बटन होते हैं और उसका क्या काम है। अल्फा न्यूमेरिक की क्या होता है, कितने बटन होते हैं, उसका क्या काम है, एंड सो ऑन। स्पेशल की के बारे में और उसके बाद नेविगेशन की के बारे में। तो यहाँ तक नोट करने का मन है नोट करेंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट कैप्चर करेंगे। इसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे न्यूमेरिक की, सबसे पहले इसको डील करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग मिलते रहेंगे और ये 5ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला 1 नंबर हम लोग को पढ़ना है, जिसका नाम है न्यूमेरिक की। एज यूजुअल हम लोग समझते होंगे न्यूमेरिक मतलब होता है नंबर, न्यूमेरिक मतलब नंबर, जिसको हिंदी में संख्यात्मक बटन के नाम से जाना जाता है। संख्या, संख्या समझते होंगे 0, 1, 2, 3, 4, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिक की, यानी कि संख्यात्मक बटन। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला जो है इसका नाम NUMERIC, न्यूमेरिक KEY, कीबोर्ड का ग्रुप नंबर 1 जिसका नाम न्यूमेरिक की, इसको ऐसे उच्चारण किया जाता है न्यूमेरिक की मतलब बटन, तो न्यूमेरिक बटन। तो इसमें सबसे पहला जो थियोरिटिकल कंसेप्ट याद रखना है वो है कि आखिर यह कीबोर्ड में होता कहाँ है, दूसरा याद रखना है संख्या कितना है, ये तो ग्रुप है ना, आ ग्रुप अकेले कोई बना सकता है क्या, समूह बनाना है तो आप अकेले समूह बना लेंगे, बिल्कुल नहीं। तो समूह बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले पढ़ेंगे कि न्यूमेरिक की कहाँ होता है, दूसरा कितनी संख्या होता है और तीसरा उसका काम क्या है। बस यह 3 चीज़ हमको पढ़ना है प्रत्येक समूह में, पहला कहाँ होता है, कितना होता है यानी संख्या के को है और उसका काम क्या है। तो एक एक करके हम लोग ये 3ों को देखेंगे। तो सबसे पहला हमको देखना, ये वो बटन का नाम नहीं है, ध्यान देना है, यह एक समूह का नाम है और समूह का तात्पर्य होता है बहुत सारा बटन। तो न्यूमेरिक की का समूह जो होता है यह इट लाइज टू द राइट साइड ऑफ कीबोर्ड, कहाँ होता है, तो कीबोर्ड के
राइट साइड में, राइट मतलब सही नहीं, यहाँ पे राइट का मतलब हुआ दायां, लेफ्ट राइट समझते होंगे ना, तो कीबोर्ड के दाहिने तरफ, जैसा कि यह मेरा मान लिया जाए कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड के ही वाला भाग में यहाँ पे, ठीक है, जैसा कि फोटो में दिखाया गया है, दाहिने तरफ देखिए वहाँ पे 17 बटन है, और वही 17 बटन का समूह जो है उसको हम लोग न्यूमेरिक की के नाम से जानते हैं। तो पहला कंसेप्ट क्लियर है, कहाँ होता है, कीबोर्ड के दाहिने तरफ। दूसरा है कि केगो होता है, यानी संख्या कितना है। तो जनरली नंबर का तत्पर्य होता है 10 को, 0 से लेकर 9 तक, लेकिन यहाँ पे 9 10 को नहीं, इट इज 17 का मतलब 17, इसको याद रखना है, न्यूमेरिकी कितने होते हैं 17, तो इट इज से। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि सबसे पहला कीबोर्ड में न्यूमेरिकल की कहाँ होता है, तो कीबोर्ड के दाहिने तरफ। दूसरा के गो होता है, तो 17 को। अब तीसरा पॉइंट कि कौन कौन होता है, 17 को तो कह दिया लेकिन पता नहीं है कि कौन कौन होता है, उसको हम लोग देखेंगे और फिर उसका काम देखेंगे। अब आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3 कि कौन कौन होता है। तो एक पिक्चर के माध्यम से समझिए, सबसे पहला न्यूमेरिक की के अंतर्गत कौन कौन बटन होता है। फोटो एक बना रहे हैं, ध्यान से इसको देखने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो 9 को बना दीजिए, और एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ एक यहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हुआ 9, लेकिन 9 को नहीं अभी बताया है कि कितना होता है 17, तो अभी भी 8 बचा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो 0 मिलेगा आपको, और यहाँ पे देखिएगा तो दशमलव मिलेगा। अब के वो हो गया, तो 9 2 11। इसके बाद इधर में देखेंगे तो यहाँ इंटर लिखा हुआ मिलेगा, ENTER, और यहाँ पे प्लस, उसके ऊपरी भाग में देखेंगे तो 4 बटन, नमलॉक, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस। अब इसको जरा गिनती करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बटन, 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि अब हमारा टोटल यह 17 बटन का जो समूह दिख रहा है ना, इसी को हम लोग न्यूमेरिकल की कहते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 राइट साइड में होता है, पॉइंट नंबर 2 17 बटन होते हैं, और पॉइंट नंबर 3 कि इसका काम क्या है। तो तीसरा पॉइंट हो गया कि जेनरली इट इज यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, संख्यात्मक गणना करना है ना, संख्या वाला कोई काम करना है, मोबाइल नंबर लिखना है, आधार नंबर लिखना है, अकाउंट नंबर लिखना है, जोड़ घटाओ गुणा भाग करना है, तो इसके लिए हम लोग जिस बटन का उपयोग करते हैं उसका नाम है न्यूमेरिक की। तो एज यूजुअल यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे 17 बटन है, 1 2 3 4 तो जानते होंगे, 0 दशमलव इंटर, तो कैलकुलेशन में इंटर का मतलब बराबर होता है, इसको ध्यान देंगे। कभी भी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं और वहाँ पे आपको इक्वल टू चाहिए, जैसे कि 65 + 75 बराबर, तो बराबर तो कहीं है नहीं, तो बराबर यानी कि रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हम लोग बराबर दबाते हैं। तो न्यूमेरिकल की में बराबर का काम कौन करेगा, इंटर करेगा। जोड़ घटाओ गुणा भाग जानते होंगे, यह भाग का सिंबल है, ऐसे जनरली ऐसे लिखा जाता है, लेकिन कीबोर्ड में ऐसे के बजाय स्लैश दिया रहता है, और इसी को भाग समझना है। गुणा जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन कीबोर्ड में गुणा को यानी मल्टीप्लाई को स्टार से डिनोट किया जाता है। एक बटन के बारे में हम लोग अनभिज्ञ हैं, नहीं पता है कि आखिर यह क्या है और इसको से होता क्या है, इसके बारे में भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक बटन को हम लोग छोड़ दिए थे जिसका नाम था नम लॉक, नम मतलब नंबर, नम मतलब नंबर, और लॉक माने बंद, लॉक करता है ना कोई चीज़, तो लॉक माने बंद, अनम मतलब नंबर। तो ध्यान से यदि हम लोग देखेंगे तो कीबोर्ड के टॉप राइट साइड में, कहाँ पे, कीबोर्ड के
टॉप राइट साइड में, टॉप माने ऊपर, राइट माने दाहिना, मतलब कि यह मेरा कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के इस भाग में तीन गो बल्ब दिया रहता है, ध्यान देंगे कितना बल्ब, तीन बल्ब दिया रहेगा और बल्ब के नीचे एक लिखा रहेगा, ए लिखा रहेगा और तीर बनाया रहेगा। यदि एक के ऊपर में, एक के ऊपर वाला लाइट यदि जल रहा है, लाइट जल रहा है तो समझो नम लॉक ऑन है, नम लॉक ऑन है। कंडीशन ध्यान देंगे, यदि एक लिखा हुआ है और उसके ऊपर वाला लाइट जल रहा है तो समझिए कि नम लॉक आपका क्या है, ऑन है। और जब नम लॉक ऑन रहेगा तब ही कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, यदि नम लॉक ऑन नहीं रहेगा तो कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कभी कभी हम लोग कीबोर्ड में 4, 5, 8, 9 दबाते हैं ना तो नहीं लिखाता है, तो टेंशन हो जाता है कि क्या हो गया, आखिर क्या बात है कि नहीं लिखा रहा है, तो हम लोग को जानकारी नहीं था इसीलिए टेंशन हो गया। यदि जानकारी रहता कि क्यों नहीं लिखा रहा है तो कंसेप्ट यही है कि नम लॉक जो है ना ऑन रहेगा तब ना लिखेगा। तो देखेंगे ध्यान से कि एक के ऊपर का लाइटवा जल रहा है कि नहीं, यदि एक के ऊपर वाला लाइट जल रहा है तो 100% नंबर की काम करेगा, लेकिन यदि लाइट नहीं जल रहा है, लाइट जल ही नहीं रहा है तब नंबर की काम नहीं करेगा। तो जो 17वां बटन नम लॉक जो दिया हुआ है ना, तो इसका काम है नंबर की को ऑन करना और नंबर की को ऑफ करना। उसी बटन को दबा दो नंबर की बंद हो जाएगा, फिर नम लॉक बटन को ही दबा दो नंबर की चालू हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको न्यूमेरिक की का 17 बटन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन कि सर यदि बल्ब नहीं जलेगा यानी कि नंबर की ऑफ है तब क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो दबाएंगे उससे कुछ होगा कि कुछ भी नहीं होगा? तो इसको भी हम लोग जान जाते हैं। यदि नंबर की ऑफ है, कौन ऑफ है, नम लॉक यदि ऑफ है तब इस कंडीशन में न्यूमेरिक की वर्क्स एज एन एरो टू मूव द कर्सर। समझाते हैं ध्यान से, लिखा हुआ टेक्स्ट पर ध्यान देंगे। यदि नंबर की बंद है, चालू है तब तो क्लियर है कि चालू है तो लिखेंगे तो लिखाएगा, लेकिन बंद है ना तब भी कुछ करेगा, क्या करेगा, तो एरो का काम करेगा, मतलब कि कर्सर को इधर उधर ले जाने का काम करेगा। कंसेप्ट समझिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही था ना, 7, 8, 9 नंबर हो गया। यदि चालू है तो 8 दबाइए, 8 लिखाएगा, 5 दबाइए, 5 लिखाएगा, लेकिन ऐसे कर दीजिए इसको। अब जरा ध्यान दीजिए कि क्या होगा, तो नंबर की बंद रहेगा और आप 4 दबाएंगे तो आपका कर्सर, पिछला वीडियो में कर्सर के बारे में बताया गया था, लिखते समय दिखाई देता है एक लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्सर। जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो, वो वीडियो नंबर 5 देखिए, माउस का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो कर्सर को बायां तरफ ले जाना है ना तो 4 दबा दो, कर्सर को दायां तरफ ले जाना है तो 6 दबा दो, कर्सर ऊपर ले जाना है तो 8 दबा दो, और कर्सर नीचे ले जाना है तो 2 दबा दो। तो एरो का काम किया न्यूमेरिक की। तो यहीं तक इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो कीबोर्ड के अंतर्गत सबसे पहला ग्रुप जिसका नाम था न्यूमेरिक की, या न्यूमेरिक की में टोटल 17 बटन को हम लोग समझ चुके हैं। वीडियो को रिपीट कर करके देखिए, इसके बावजूद भी यदि समझ में ना आता हो कमेंट सेक्शन में जाके आप बताइए, हम आपको पुनः अगले वीडियो में इसी टॉपिक को फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। लेकिन नहीं समझ में आएगा तब तक के लिए आप लोग हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक के वीडियो को एंजॉय कीजिए।
और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।